आप जानते हैं कि देश के सभी जिलों को लाल, नारंगी और हरे जोन्स में बांट दिया गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। इन जोन्स में बहुत कड़ी सख्ती है, इसमें कई कंटेनमेंट जोन भी हैं। इस जोन को पूरी तरह से सील करके रखा जा रहा है। और आपको बता दें, नोएडा के एक ऐसे ही कंटेनमेंट जोन से हमारे सहयोगी संजय किशोर भी फंसे हुए हैं, वहीं से उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। नोएडा के सेक्टर 93A इलाके की ये सड़क बंद कर दी गई है। इस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पुलिस 24 घंटे कड़ी निगरानी रखे हुए है। यहाँ रहने वाली 72 साल की एक बुजुर्ग महिला डायलिसिस के लिए हफ्ते में दो बार पास के अस्पताल जा रही थी। 25 अप्रैल को उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तब से सोसाइटी को प्रशासन ने रेड जोन में डालकर सील कर दिया है। अंदर रोजमर्रा की जरूरत की दुकानें बंद कर दी गई हैं, गाड़ियों पर धूल की परतें चढ़ी हुई हैं। बैडमिंटन कोर्ट, झूलों और स्लाइड्स को बच्चों का इंतजार है। हर तरफ खामोशी है, मानो यहाँ कोई रहता ही नहीं। तभी इस ऐलान से थोड़ी हलचल होती है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की वैन सब्जियां और फल लेकर आई हैं। मदर डेयरी की तरफ से दूध और ब्रेड वगैरह मुहैया कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने जरूरी सामान की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे रखी है। 24 घंटों में यही एक वक्त होता है जब आपको फ्लैट से निकलने की इजाजत होती है। बुजुर्गों को ये छूट भी नहीं है। RWA ने उनके घरों तक राशन पहुंचाने का इंतजाम कर रखा है। सीनियर सिटीजन को एक तो हम लोगों ने उनके होम डिलीवरी का कर रखा है, तो RWA स्टाफ के थ्रू या रेजिडेंट्स भी वॉलंटियर बन के आगे आ रहे हैं। दूसरा, RWA की तरफ से डेली कॉल होती है सिटीजन्स को उनकी वेलबींग चेक करने के लिए, और उनको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो RWA आगे बढ़ के चाहे प्रशासन के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करना हो या अपने लेवल पे कुछ करना हो, वो हम लोग कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ लोगों का सब्र भी टूट रहा है। किसी का AC खराब है तो किसी टावर की लिफ्ट काम नहीं कर रही। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने घर में रहेंगे, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। शुरू के दिनों में ये कवायद भी होती थी, तब दहशत और बढ़ जाती थी। जागरूक लोगों की सक्रियता से सैनिटाइजेशन का काम भी होता है। जो सैनिटाइजेशन होता है, जो ट्रैक्टर से, फायर ब्रिगेड से कर रहे हैं या फिर फॉगिंग कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था की जाए और कोऑर्डिनेशन में जो RWA जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको हेल्प किया जाए, सो दैट कि अभी सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, कंफ्यूजन बहुत है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग कोरम पूरा कर रहे हैं, कुछ लोग स्थितियों को संभाल रहे हैं। लोग इसी में जीना सीख रहे हैं। अरुण शर्मा एक टेलीकॉम कंपनी से जुड़े हुए हैं, घर से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा, फॉर्मल कपड़े नहीं पहनने होते। फिजिकल इंटरेक्शन आपका जो है टीम्स के साथ में रहता है। यहाँ आप जो है वो वीडियोस के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू टच में रहते हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई विल नॉट से कि इट्स बैड, बट ऑफिस का एनवायरनमेंट एक ऑफिस का होता है और घर से काम करने का एक अपना घर से काम करने का होता है। अद्वितीय का क्रिकेट बंद है, लेकिन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। घर में क्रिकेट से कई चीजें टूट चुकी हैं। बेटी इंग्लैंड में है और बेटा अमेरिका में। मई में दोनों के घर जाना था। हद तो ये है कि एयरलाइंस रिफंड भी नहीं दे रही। लॉकडाउन में हमें घर के काम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाकी एसेंशियल्स तो सारी मिल रही हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि घर पे ही दे जाते हैं सोसाइटी वाले, बट कामकाज की बहुत प्रॉब्लम है। है ही नहीं कोई काम करने वाला, और दूसरा अकेलापन बहुत खाता है, उसके बाद थक जाते हैं और फिर अकेले लेटे रहते हैं बस, तो उससे डिप्रेशन टाइप होने लग जाता है कई दफा। आपका ये रिपोर्टर भी इसी सोसाइटी में रहता है, रेड स्पॉट के हॉट जोन में। बाहर निकलने के लिए वैलिड पास है, लेकिन दफ्तर ने 14 दिनों के लिए घर में रहने की ही हिदायत दी है। जिंदगी रुकी नहीं है, धीमी जरूर हुई है,
वो भी चंद दिनों के लिए। नोएडा से संजय किशोर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।